हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोगों का निकलने का दिन है और आज देखिए कैसा खिलखिलाता हुआ धूप निकला है। दिल तो काफ़ी बैठा हुआ है क्योंकि पता ही आज लास्ट डे है, तो सब सामान वामान पैक करके हम लोग निकल रहे हैं। हम जहाँ पे खड़े थे वो जगह कुछ ऐसा था, ये वाला होम स्टे में हम खड़े थे, काफ़ी साफ़ सुथरा है और अगर मतलब क्लाउड नहीं होता तो यहाँ से व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छा दिखता है। यहाँ से पीछे एक मॉनेस्ट्री है, वहाँ भी आप लोग घूम सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए कितना खिलखिलाता हुआ मौसम है, पूरा एकदम साफ़ सुथरा पूरे तरीके से एकदम। तो लास्ट डे है तो थोड़ा घूम लेते हैं क्योंकि अभी तो हम चले ही जाएंगे। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा जगह है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। कालिम्पोंग से सीधा ये एक मोनास्ट्री है, यहाँ पे भी आप लोग घूम सकते हैं। और जो भैया बाला भैया का होम स्टे में हम रुके थे वो भी काफ़ी हम्बल है, उनके साथ हमारा अच्छा दोस्ती हो गया है। तो दिल थोड़ा मतलब ख़राब लग रहा है क्योंकि 7 दिन का जो जर्नी था, 6 नाइट 7 डेज, वो आज ख़त्म हो गया। और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी भी बंगाल सफारी बाकी है और उसके अलावा दो और चीज़ बाकी है, एक है पानबूतारा व्यू पॉइंट और दूसरा है कुछ और व्यू पॉइंट। तो अभी फिर से धुंधला हो गया है नज़ारा, देख ही सकते पूरा नज़ारा जो है धुंधला हो गया है। तो ये यहाँ का एंड है, इसके ऊपर बस एक आपको होटल मिलेगा वहाँ पे, जो होम स्टे दिख रहे हैं वहाँ पे काफ़ी सारा होम स्टे है। डिस्क्रिप्शन जो है मैं अंदर डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अंदर मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ से नज़ारा थोड़ा देखिए नज़ारे को, चारखोल जो ब्लॉक है वो लोलेगांव के अंदर पड़ता है और वो काफ़ी अच्छा भी है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। चारों तरफ एकदम कोहरा ही कोहरा, रात में तो कल रात को हम जल्दी सो गए थे तो खाना भी नहीं खाए थे क्योंकि हम साइटसीइंग से लौटते हुए हम थोड़ा खाना खाए थे, तो उसके बाद हेवी हो गया थोड़ा तो हम नहीं खाए। उसके बाद मतलब यहाँ पे और ये अमित भैया और पारस भैया पूरा पैकिंग वैकिंग करते हुए पूरा पैकिंग कर रहे हैं वो लोग। पारस भैया हमारे लिए अलग से 6294 लेके आए हैं, और यहाँ पे अमित भैया भी पूरा लेके आए। तो अभी बस यहाँ से होते हुए हम लोग वहाँ निकल जाएंगे, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे साथ देखते रहिए थर्स फॉर एक्सप्लोर। Thank you.